हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ हरी मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा चटाकेदार मज़ेदार चटपटी सब्ज़ी बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने इसको एक बार बना के देख लिया तो सच में आपको हर सब्ज़ी फीकी लगेगी इसके सामने, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हरी मिर्च को इस तरह कट कर लिया, आप देख पा रहे होंगे, दो भाग मैंने कट कर लिया है। ये एक बड़ा प्याज कट कर लिया है हमने, और ये हमने कढ़ाई लिया है, इसमें डाल दिया है मैंने एक चम्मच के करीब ऑयल, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप सरसों का भी ले सकते हो। तो आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें, सच में ही हमने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हरी मिर्च की सब्ज़ी बताई है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैं डाल देती हूँ जीरा, अभी इसके साथ मैं डाल देती हूँ कलौंजी। ये देखिए इस तरह की होती है, आप इसको क्या बोलते हो, मैं आपको दिखा दिया है। ये डालने से सब्ज़ी का बहुत ही अलग टेस्ट हो जाता है। अगर आप ये डाल दोगे तो आपको सौंफ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट फ्लेवर आता है कलौंजी से। और इसमें मैंने ये प्याज कट करके रखे थे छोटे छोटे, ये मैंने डाल दिए हैं। इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और इसमें मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया है, तो इसको अच्छे से हम फ्राई होने देते हैं। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, अभी थोड़ा हम इसको और पकाएंगे और फ्राई करेंगे, इसको हम एकदम गोल्डन ब्राउन चाहिए हमें को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, आपको दिख ही रहा होगा। अभी हम मैं मसाला ऐड करती हूँ इसमें। तो ये मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच ही हम हल्दी पाउडर लेंगे, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब आप ले सकते हो। तो ये मैंने आधा चम्मच ही नमक लिया है। अभी हम इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, गैस को इस टाइम मीडियम रखना है, क्योंकि मसाला हमारा सूखा है तो जल जाएगा, और मसाले को थोड़ा पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा मसाले को पका लिया है। अभी हम इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर लिया है, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा, तो आप भी ज़रूर डालना। और ये साथ में मैं लहसुन का पेस्ट भी ले रही हूँ, अदरक नहीं डाला है मैंने इसमें, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। आप अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर डालना। और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। लहसुन डालने के बाद फ्रेंड, थोड़ा सा ये कढ़ाई में लगता है, तो इसको हमें थोड़ा सा मीडियम ही रखना है। अब इस टाइम गैस मैंने मीडियम करके दही डाल दिया है, क्योंकि हमारा मसाला तो अच्छे से पक चुका है, तो दही को हमें एकदम 20 सेकंड 30 सेकंड के करीब अच्छे से चम्मच को चलाते रहना है, ताकि हमारा दही फटे नहीं। अगर आपको दही डालने का प्रैक्टिस नहीं है तो आप गैस को बंद करके उसमें दही डाल सकते हो, और फिर मिक्स करके गैस को ऑन करके आप ऐसे चलाते रहना, आपका दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। लेकिन मैंने गैस को फ़िलहाल ऑन कर रखा है, और दही में देखिए उबाल आ गए हैं। अभी मैं थोड़ा पानी भी डाल देती हूँ इसमें, और उबाल आने के बाद हम इस दही को चम्मच हिलाना छोड़ देंगे। उबाल आने के बाद क्या होता है कि दही हमारा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, तो हमें ऐसे ही मिक्स करते रहना, तो हमारी दही फटने का प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो अगर मिक्स नहीं करेंगे तो दही फट जाएगा और उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो इसको हमने दही में अच्छे से उबाल आ गया है, ये देखिए। तो इसको हम और अच्छे से पका लिया है, दही को हमने कम से कम 3 मिनट के करीब अच्छे से मसाले में पका लिया, आपको दिख ही रहा होगा एकदम गाढ़ा हो गया है ये। अभी हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स। तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये कितनी टेस्टी मिर्च बनी है, आप जब बनाओगे तो आपको यकीन आएगा, सच में ही इसके सामने आपको हर सब्ज़ी फीकी लगेगी, इतना चटपटा सा मज़ेदार टेस्ट आता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको भी हमने 1 मिनट के करीब मसाले में अच्छे से पका लिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे इसमें, जिससे क्या होता है कि इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, आप ज़रूर देखना एक बार बना के। तो इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसको ढक के कम से कम हमें 2 मिनट हमें पकाना ही है। तो आपकी कुल मिला के ये 10 मिनट में सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी, उसमें ही साथ में ही कटिंग भी इसमें समय जुड़ जाएगा। तो 10 मिनट में आप
रेडी कर सकते हो। तो 2 मिनट ये देखिए हमने अच्छे से पका लिया है और ये सब्ज़ी हमारी अभी थोड़ा सा कच्ची है, तो इसको एक थोड़ा आधा मिनट के करीब और ढक के पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आधा मिनट हो गया है, हमें ज़्यादा भी नहीं पकानी है। तो सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है, ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी मैं गैस को कर देती हूँ बंद। तो ये देखिए मिक्स करके गैस को बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आप देख पा रहे होंगे। और आप जब इसको खाओगे तो सच में ही आपको हर सब्ज़ी फीकी लगेगी इसके सामने, इतना ज़्यादा ये अच्छा टेस्ट है। इसमें चटपटा भी है, मज़ेदार भी है, चटाकेदार भी, सब सारा टेस्ट है इसमें। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं आपको बता रही हूँ तभी। तो आप ज़रूर बना के ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सब्ज़ी हरी मिर्च की कैसी बनी है। तो ये देखिए मैं आपको सर्विंग बाउल के निकाल के दिखाती हूँ, देखने में कितनी प्यारी लग रही, कितना अच्छा कलर आया, आप देख ही पा रहे होंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया, बहुत ही ज़्यादा ये चटपटी सी सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है, इन्जॉय करना। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।